सियासत भी गजब का है, कभी कोई खिलाफ होता है तो कभी कोई साथ होता है। यही हाल है यूपी के सीएम के साथ भी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच लोकसभा चुनाव में कम सीटें जीतने के बाद से ही तनाव देखा गया। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के सुर अब बदल गए हैं और ऐसे ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अच्छे सीएम हैं। मौर्य के इस बयान पर अब अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि देश में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी। आप भी ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। जिस पर अब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि कोई उप डबल हार के बाद उपहार बाद भी डबल इंजन की प्रशंसा प्रणामकता पत्र बांट रहा हो। तो यूपी में दो डिप्टी सीएम हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे बृजेश पाठक। इस पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो दो मुख्यमंत्रियों की क्या जरूरत पड़ती। इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे या फिर बाकी दो बेकाम हैं, नाकाम हैं, और उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुतिगान है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला करते हुए कहा कि अगर उपसत्य में उपयोगी हो तो दिल्ली में मंडल में भी होना चाहिए, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या फिर चुप। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द उपचुनाव होने वाले हैं। इसके चलते रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर के मांझवा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी। आप भी ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारे डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया में पीएम मोदी जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है, और है क्या। साथ ही मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच लोकसभा चुनाव के बाद से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। इसके बाद अब मौर्य के सुर बदले नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे पीएम मोदी हैं, और देश में जब सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम सीएम योगी की अगुवाई में किया जा रहा है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।